और इधर ईसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से नोटिस जारी किया है और सोमवार तक जवाब देने को कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दें और उससे पहले उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर रिकॉर्ड में रख लें। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, ईसी को ये आदेश दिया गया है कि आप डिजिटल कॉपी तैयार करके रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि आप ये नहीं कर सकते कि आप आम जनता से इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाएंगे, ये आम जनता का अधिकार होता है कि वो जाने अपनी पार्टी के बारे में। उसके बाद में चुनाव आयोग इस पर तैयार हुआ, डेटा जो है वो सौंप दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है जब सुप्रीम कोर्ट हमें अनुमति दे देगा उसके बाद ही हम इसे सार्वजनिक करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं कि कल शाम 5 बजे आप कलेक्ट कीजिएगा डेटा, चुनाव आयोग को दे दिया जाएगा और उसके बाद डिजिटल कॉपी तैयार करके रख लीजिएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। सबकी निगाहें थी कि जो आदेश दिया गया, अब इलेक्शन कमीशन का अगला मूव क्या हो, ये सिलसिलेवार तरीके से आप समझते चलिए। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आम जनता से छुपाएंगे, क्योंकि ये तो आम जनता का राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार होता है कि वो ये जाने अपनी पार्टी के बारे में कि कौन कौन फंड दे रहा है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, ये बड़ी जानकारी है, अब कब तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा ये सब कुछ? चुनाव आयोग ने साफ तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इंडिया की तरफ से कोई मुद्दा नहीं कहा, कोर्ट ने हमारा आदेश ये कहा आपको पूरी जानकारी पूरी तरीके से साफ था कि एसबीआई जो सारा डाटा है उसका नंबर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उनका यूनिक नंबर देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, तो वो नंबर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का तो वो नंबर क्यों नहीं बताया गया? वो नंबर भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। अब कोर्ट ने, चूंकि कोर्ट में एसबीआई का कोई वकील नहीं था, लिहाजा एसबीआई को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि अगली सुनवाई यानी सोमवार तक उसे जवाब देना होगा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उसने यूनिक नंबर जो हर एक बॉन्ड पे होते थे वो क्यों नहीं बताए, क्योंकि इस तरीके की बात याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गई कि अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो यूनिक नंबर होता है उसकी वो अगर सार्वजनिक हो तो उससे ये मैचिंग की जा सकती है कि किस राजनीतिक दल के पास कितना पैसा गया और कौन सा इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस राजनीतिक दल के पास गया। तो अब सोमवार को एसबीआई को ये बताना होगा कि उसने ये यूनिक नंबर का डाटा क्यों नहीं दिया था। आज चूंकि उनकी तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था, लिहाजा कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब देने को, और सोमवार को ही इस मामले की सुनवाई होगी। दूसरा एक मामला था कोर्ट के सामने कि चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 2 मौकों पर सीलबंद लिफाफों में अपना डाटा दिया था, उसकी कोई प्रति उनके पास नहीं है। तो कोर्ट ने कहा है अब कि रजिस्ट्रार को कि आप अपनी डिजिटल कॉपी बनाने के बाद ये कॉपी कल शाम तक चुनाव आयोग को दे दें ताकि वो अपनी वेबसाइट पर इसे डाल दें। और अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। तो एक जो चुनाव आयोग ने कल डाटा सार्वजनिक किया, अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया, वेबसाइट पर उसे पब्लिश किया, वो आज शुक्रवार तक का समय दिया था, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित उनके जो यूनिक नंबर होते हैं उनका जो नंबर होता है वो क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया गया। इस पर कोर्ट की नाराजगी थी और सोमवार तक इस पर एसबीआई से जवाब मांगा है और साथ ही साथ सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। यूनिक कोड के बारे में जरा विक्रांत बताइए, ये दो अलग अलग मामले, हमारे दर्शक समझ ले, यूनिक कोड क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या इलेक्शन कमीशन दलील दे रहा है, क्यों नहीं उसने यूनिक कोड जो है अवेल कराया था? देखिए, यूनिक कोड को अगर मैं समझाना चाहूँ अपने दर्शकों को, तो हर एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो एक कागज का टुकड़ा होता है, उस पर रकम लिखी होती है, किसने खरीदा ये लिखा होता है, तो उस पर एक यूनिक कोड बारकोड बना होता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता, अल्ट्रावायलेट किरणों से ही वो दिखाई देता है, यानी वो उस कागज के अंदर होता है। लेकिन उससे ये पता चल सकता है कि इस नंबर का बॉन्ड फलाने आदमी को इशू हुआ है। और जब भी कोई राजनीतिक दल अदालत, जब उसे कोई बॉन्ड मिलता है उसके बाद जब वो बैंक में जा करके वो बॉन्ड की कॉपी देता था तो उससे वो यूनिक नंबर जो है उसकी मैचिंग होती थी और ये पता चल सकता है कि किस आदमी ने दिया और किस राजनीतिक दल के पास वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसने अपने खाते में उसे भुनाया।
तो ये यूनिक बॉन्ड जो का जो नंबर होता है ये काफी महत्वपूर्ण इस मामले में, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर कोई बॉन्ड पर नंबर नहीं होगा तो जो SBI होगा उसे अपनी ऑडिटिंग और बाकी चीजों में भी बहुत दिक्कत होगी। तो एक तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पहचान वो यूनिक नंबर होता है, और कोर्ट ने आज कहा कि SBI को हमने जो निर्देश दिया था, जो आदेश दिया था, वो पूरी तरीके से साफ था। आसान भाषा में हम विक्रांत ये समझ सकते हैं कि जब आम आदमी जाता है बैंक में और वो अपनी ट्रांजैक्शन करता है तो उसका भी एक नंबर होता है, वो उसको याद रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।